जिला कांगड़ा और जिला चंबा को जोड़ने वाली सड़क होली उतराला के निर्माण पर पहले से बनी सड़क पर काम ना करके उसे आगे सड़क के निर्माण के लिए बार बार सरकार को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात को लेकर उतराला होली सड़क निर्माण चिंतन समिति के अध्यक्ष धर्मचंद मक्कड़ और महासचिव एडवोकेट राज कपूर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बैजनाथ बाजार में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व एसटीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उतराला होली सड़क निर्माण चिंतन समिति के महामंत्री अधिवक्ता राज कपूर ने कहा कि चिंतन समिति बैजनाथ व तीन जिला कांगड़ा चंबा और मंडी में बैठक कर चुकी है और तीनों जिलों के लोगों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित कर चुकी है, जिसमें कहा गया था कि होली उतराला सड़क का निर्माण कार्य भतडेलू नामक स्थान से शुरू किया जाए, क्योंकि उतराला से भतडेलू 10 किलोमीटर की सड़क पहले से बनी हुई है और उस पर फिर से नाबार्ड से स्वीकृत धनराशि 13 करोड़ को न खर्च किया जाए, क्योंकि बार बार बनाई सड़क पर खर्च करने से आगे की नई सड़क के निर्माण पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। परंतु आज तक चिंतन समिति को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण कार्य ना करने के बारे में बैजनाथ प्रशासन को भी कई बार लिखित रूप में कहा गया, लेकिन वहां से भी चिंतन समिति को कोई जवाब नहीं मिला है, जिसकी वजह से अब चिंतन समिति ने आंदोलन करने का मन बना लिया है। आज होली उतराला सड़क चिंतन समिति एसडीएम बैनाथ के प्रांगण में हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से उतराला होली सड़क चिंतन समिति जो है वो बार बार कई तरह से कई माध्यमों से अवगत करवा रही है कि जो 13 करोड़ रुपए हाल ही में नाबार्ड के तहत स्वीकृत हुए हैं उनको लीपापोती पे खर्च न किया जाए, लेकिन बार बार हमारे चेताने के बाद भी आज दिन तक ना शासन ने ना प्रशासन ने चिंतन समिति से भी बात करना उचित नहीं समझा और ना ही इस पूरे मामले में कोई प्रकाश डालना उचित समझा। तो अब मजबूर होकर जो है वो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और ये जो सिलसिला है, क्योंकि ये वो बहरों की तरह होने वाली बात है कि चिंतन समिति बोल रही है हम बहरे हैं हम सुनेंगे नहीं, तो अब जो है वो चिंतन समिति को मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और आगामी जो समय है उसमें अब घेराव करना भी इनका हमारी मजबूरी हो जाएगी, ताकि जो ये लीपापोती है ये ना हो, दो धारों के बीच में कनेक्टिविटी बन जाए और दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं और दोनों जिलों के जो लोग हैं उनका आपस में सामाजिक जो दायरा है वो बना रहे, यही आज बात है। 13 करोड़ रुपए आए हैं, स्वीकृत हुए हैं नाबार्ड के तहत, इनको ये बनी बनाई सड़क पे खर्च कर रहे हैं, ये बात हम बार बार इनको बोल रहे हैं कि बनी बनाई सड़क पे ये पैसा खर्च ना हो, लेकिन ये बात को अनसुना कर रहे हैं। तो आज हम फिर से इनको ये चेताने आए हैं कि भतडेलू से आगे जो है वो काम शुरू किया जाए और लीपापोती पे पैसा ना खर्च किया जाए। की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी के को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर